यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल के धर्मशाला से, जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि यहां पर डायरिया के कहर से तीन दिनों में मरीजों का आंकड़ा 255 पहुंच गया है। डायरिया का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है धर्मशाला में। धर्मशाला का गमरौ वार्ड भी डायरिया की चपेट में आया है। तीन दिन के ही अगर मरीजों के आंकड़े की बात करें तो 255 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे मनोज धीमान, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं धर्मशाला से। मनोज, लगातार डायरिया का कहर बढ़ता जा रहा है, 255 मरीज जो हैं तीन दिन में डायरिया की चपेट में आए हैं, तो ऐसे में इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, डायरिया का कहर जो है पिछले तीन दिनों से लगातार धर्मशाला में जारी है, और इसको कंट्रोल में करने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों की टीम जो है वो गांव-गांव में जाकर के जो है वो चेक कर रही है, उसके बाद जो है वो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही पानी को उबाल कर पीने की भी बात की जा रही है। इस तरह से जो डायरिया को रोकने का जो है वो प्रयास भी किया जा रहा है वंतिका। जी मनोज, जिसके साथ ही क्योंकि डायरिया का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 255 मरीजों का आंकड़ा अभी हो गया है, ऐसे में अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है? देखिए, जो अस्पताल प्रशासन है वो लगातार से जो है वो प्रयास में जुटा हुआ है कि डायरी को किस तरह से रोकना है। कई तरह की टीमें गठित कर दी गई हैं और वो टीमें जो है वो लगातार लोगों के संपर्क में है, और उसी संपर्क के माध्यम से जो है वो उन लोगों को बताया भी जा रहा है, और पानी को उबाल करके पीने की बात की जा रही है। तो इस तरह से रोकथाम की बात की जा रही है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो रोकथाम के जो है प्रयास भी शुरू हो गए हैं, पानी को उबाल कर पीने की नसीहत जो है वो मरीजों को दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है डायरिया को काबू करने के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और साथ ही डायरिया का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। डायरिया के कहर के चलते तीन दिन में 255 मरीज जो है वो डायरिया की चपेट में आए हैं।